हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का ऑनलाइन स्टडी क्लास में। आज मैं आप लोगों को क्लास 7 का चैप्टर 18 जिसमें आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये टॉपिक मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। अगर आप इसे ध्यान से सुनते हैं तो आपको ये जानने में कि कौन सा वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है और उसका अनुवाद बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, तो इसीलिए आप इसे ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं इसका पहचान क्या है, या कि उस वाक्य में क्या चीज दिया होगा तो वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। तो आइए देखते हैं दिया है इसका पहचान कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, अगर कोई हिंदी में वाक्य लिखा हुआ है उसमें जो क्रिया है उसके अंत में क्या दिया होना चाहिए। क्रिया के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है, रहा हूं, रही हूं। एक बार फिर ध्यान से सुन लें कि अगर कोई वाक्य दिया हुआ है तो क्रिया के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है, रहा हूं, रही हूं दिया हो और इसके साथ साथ कार्य करने का समय भी दिया हो। रहा है, रही है, रहे हैं, बस इतना ही अगर आप देखेंगे तब तो दूसरा टेंस हो जाएगा, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा। लेकिन इन पहचान के साथ साथ कार्य करने का समय भी दिया हो तो वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अंतर क्या है, बस समय अगर नहीं दिया होगा तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा, लेकिन अगर वहीं कार्य करने का समय दे देगा तब वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। तो ये पहचान है, अंतर को आप समझ लेंगे। एग्जांपल दिया हुआ है, राजू 2 माह से विद्यालय जा रहा है। राजू 2 माह से, अगर बस इतना रहता राजू विद्यालय जा रहा तब तो वो कंटिन्यूअस हो जाता प्रेजेंट का, लेकिन यहाँ पे जो कार्य हो रहा है कार्य करने का समय दे रखा है 2 माह से, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। यहाँ पे राजू पढ़ रहा है कंटिन्यूअस, लेकिन कल से समय दे दिया है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। तो ये याद रखेंगे, अगर कार्य करने का समय भी उस वाक्य में दिया हुआ है तो वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। तो ये रहा उसका पहचान, अनुवाद कैसे बनाएंगे तो आइए अनुवाद के रूल देखते हैं। रूल देखेंगे आप, रूल्स क्या, पहला रूल है आपका ई सी तथा सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्क हैज बीन तथा आई वी यू, यहां क्या है सिंगुलर नंबर, फिर भी आई वी यू दे और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। और मेन वर्ग में आईएनजी लगाया जाता है। ये पहला रूल है आपका। रूल देखेंगे कि ही सी इट अथवा कोई भी सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट हो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैज बीन लगाया जाता है, और आई वी यू दे अथवा कोई भी प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट हो तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैव बीन का प्रयोग किया जाता है, और इन दोनों केसेस में मेन वर्ब में आईएनजी लगाया जाता है।
अब यहाँ पर देखेंगे आई, आई हालांकि सिंगुलर नंबर है लेकिन फिर भी इसके साथ हम हैव का ही प्रयोग करते हैं, ये ध्यान रखेंगे आपको, ये याद रखना पड़ेगा। फार्मूला क्या हो जाएगा, सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद आप लिखेंगे हैव या है, उसके बाद अगर वाक्य निगेटिव है तो यहीं पे नॉट लिखेंगे, उसके बाद बी लिखेंगे, उसके बाद गिवन में आई एन जी ऑब्जेक्ट अदर वर्ड प्लस सिंस अफवा प्लस, ये फार्मूला है आपका, ये रूल्स है, ये रूल्स है और ये फार्मूला है। फार्मूला वही है, एक फार्मूला अगर आप सही ढंग से याद कर लेते हैं तो इसी पे आप जितने टेंस होते हैं उसी फार्मूले पे आप बना सकते हैं, बस हेल्पिंग वर्ब चेंज होता रहता है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हैज या हैव लिखेंगे, हैज कब लगाया जाएगा, हैव कब लगाया जाएगा, हमने यहाँ बता दिया है कि सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट हो तो वहां पे हैज, प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट हो है और इसके साथ साथ ये यहाँ पे आई जाएगा तब भी हैव ही लगाएंगे, यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा गया। अगर वाक्य निगेटिव होगा तो नॉट लिखेंगे, नहीं तो आगे बढ़ जाएंगे, और बिन तो लिखना ही है, बिन तो लिखना ही है। उसके बाद भीवन में आई एन जी आप लगाएंगे, ऑब्जेक्ट अगर है लिखेंगे, उसके बाद अदर वर्ड लिखेंगे, फिर उसके बाद सिंस या फार आ गया है, दो चीज है, कब सिंस लगाएंगे कब फार लगाएंगे, तो निश्चित समय के लिए सिंस लगाएंगे, अगर टाइम जो दिया है कार्य करने का वो निश्चित है सर्टेन है तो सिंस, और वो अनसर्टेन है अनिश्चित है तो फार लगाएंगे। अब कैसे जानेंगे कि कौन कौन से कार्य, उसके बाद आप टाइम लिखेंगे, यहाँ पे जानने के लिए कि कौन से कार्य कौन से समय निश्चित होते हैं कौन से अनिश्चित, तो ये जान लें निश्चित समय जैसे टूडे टूडे स्टरडे टुनाइट टुनाइट टू ओ क्लॉक टू ओ क्लॉक थ्री ओ क्लॉक सिक्स ओ क्लॉक मतलब एक्सेप्टर कोई भी टाइमिंग दिया हो वो निश्चित माना जाता है, यानी कि आज से कल से टुमारो दिया हो टुडे हो यस्टरडे हो टुनाइट हो, उसके बाद समय दिया हो जैसे 2 बजे 3 बजे 4 बजे 5 बजे ये दिया हो, तारीख कोई दिया हो डेट दिया हो तो ये सभी हमारे निश्चित माने जाते हैं और उसके लिए हम सिंस लगाते हैं। अनिश्चित जैसे 2 दिन से 5 दिन से 20 साल से 10 साल से, निश्चित नहीं रहता कि किस डेट से, तो वो हमारा अनिश्चित होता है। यहाँ पे डेज नेम लिया जाएगा, डेज नेम अगर किसी दिन का नाम भी दिया तब वो निश्चित ही माना जाता है, तो ये याद रखेंगे। अगर 2 महीना 4 महीना 2 दिन 5 दिन 10 घंटा 20 घंटा ऐसे दिया हुआ तो वो अनिश्चित है, लेकिन अगर ये सब चीज दिए हुए तो वो निश्चित माना जाता है और इसी के अकॉर्डिंग आपको अनुवाद बनाना है। तो आइए अनुवाद पे चलते हैं, देखें दिया है यह अनुवाद आप बनाए। सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है राज्य, कैसे जानेंगे हु से प्रश्न करेंगे जो जवाब मिलेगा वही हमारा सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट हो जाएगा राज्य।
उसके बाद हैज या हैव लिखेंगे, राजू सिंगुलर नंबर है तो हैज, राजू हैज, देखे वहां नेगेटिव नहीं है तो आगे बढ़ जाएंगे बीन, राजू हैज बीन। उसके बाद बी है, बी क्या है, रीड है, और उसी में लगाएंगे आप आई एन जी, रीडिंग क्या, अपना किताब। अपना के लिए यहाँ पे हीज कैसे लगेगा, क्योंकि राजू है, राजू के लिए कोई प्रोनाउन यूज करते हैं तो ही होगा और हीज का पजेसी हो जाएगा ये, तो हीज बुक। अब यहाँ पे दिया टाइम लास्ट में लिखेंगे, तो लिखेंगे आप दो घंटे से अनिश्चित है, दो घंटे से अनिश्चित है फॉर टू आवर्स, दो घंटे से वो अनिश्चित समय, तो ये हो जाएगा। दूसरा वक्त जो दिया है उसका अनुवाद देखें, मैं दो बजे स्कूल नहीं जा रहा, आई है, हमने बताया आई सिंगुलर नंबर लेकिन फिर भी उसके साथ हैव लगाएंगे, आई है नॉट, अगर निगेटिव होगा तो एक साइड क्रिया यानी है या हैव के बाद नॉट लगाएंगे, आई हैव नॉट बीन Going to school, दो बजे दिया है निश्चित है तो since two o'clock, ऐसे आप अनुवाद बनाएंगे। वहां के देखें क्या दिया है, सब्जेक्ट कैसा है, उसके अकॉर्डिंग वर्ब सही से यूज कर रहे हैं और जो फार्मूला है उसी पर आप बनाते हुए जाए, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका अनुवाद आसानी से बन जाएगा। आगे देखें दूसरा रूल क्या है, दूसरा रूल जो दिया हुआ है, अगर वाक्य क्या से शुरू हो, अगर वाक्य क्या से शुरू हो तो फार्मूला तो वही रहता है, बस हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है, हैज या हैव पहले आ जाएगा, बाकी सारा चीज वही है। ये फार्मूला इंट्रोगेटिव मार्क लगा देंगे, जैसे क्या बच्चे एक माह से घर पर खेल रहे हैं, अनुवाद बनाएंगे। देखें इस बात किसे यहां से आप पहचानेंगे कौन सा टेंस है, समय भी दिया हुआ है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे, देखें यार क्या दिया है तो क्या है, क्या का अंग्रेजी नहीं लिखते बल्कि हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब आपको लिखना पड़ेगा, हैज या हैव डिपेंड करता है सब्जेक्ट पर, तो सब्जेक्ट यहाँ पे देखा बच्चे है, प्लूरल नंबर में है, प्लूरल नंबर के साथ हैव लगाया जाता है, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, है द चिल्ड्रेन, हैव द चिल्ड्रेन निगेटिव नहीं है, आगे बढ़ जाएंगे बीन, हैव द चिल्ड्रेन बीन प्लेइंग, खेल रहे हैं क्या, क्या नहीं दिया है, कहां दिया है, ये हो गया एक माह से, फॉर वन मंथ, एक माह से, फॉर वन मंथ, एक माह से, क्या बच्चे एक माह से घर पर खेल रहे हैं, हैव द चिल्ड्रेन बीन प्लेइंग एट होम फॉर एन आवर, फॉर एन नहीं एक घंटा नहीं, फॉर वन मंथ एक माह से, इनकी हैव द चिल्ड्रेन बीन प्लेइंग एट होम फॉर वन मंथ, ऐसे करेंगे आप अगर क्या से स्टार्ट होगा तो। अगर प्रश्नवाचक बीच में दिया हो, जैसे तीसरा रूल आपका हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड अगर दिया हो कहीं वाक्य में तो आप अनुवाद कैसे बनाएंगे, बच्चे एक माह से घर पर
क्या खेल रहे हैं, बच्चे एक माह से घर पर क्या खेल रहे हैं, अब ये क्या बीच में आया, तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा क्या का अंग्रेजी, और क्या का अंग्रेजी हो जाएगा व्हाट। बस क्वेश्चन वही तो है, सारा चीज वही है, बस क्वेश्चन वर्ड पहले आ गया, तो आपको क्वेश्चन वर्ड यहाँ पहले लिखना होगा और बाकी अनुवाद ऐसे ही रहेगा, वही फॉर्मेट है, कोई दिक्कत नहीं है। बस समझना है आपको, ये नहीं कि रटना पड़ेगा, रटेंगे तो भूल जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, यहाँ पे अगर आप समझ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन वर्ड बीच में आएगा, क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लिखेंगे, बाकी सारा फॉर्मूला वही। अब हमें उम्मीद करते हैं कि आपको ये काफी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस समझ में आया होगा, अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो आप इस वीडियो को पुनः देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।